महू में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े आम नागरिकों के लिए बड़ी समस्या का विषय बन गए हैं। लगातार कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं और अगर आने वाले दिनों में इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा शासन प्रशासन द्वारा भी अब इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ इन दिनों बड़ी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं और रोकने के लिए क्या किया जाए यह तो आप सभी को पता है, लेकिन हमें जो पता है हमें उसे समझना है और उसका पालन करना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो आज की स्थिति में नियमों का पालन करने वाले और घरों से नहीं निकलने वाले भी डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि महू तहसील और शहर के आसपास के गांवों में भी तेजी से कोरोना महामारी फैल रही है। आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से महू तहसील में 1400 से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। यहां पर केस वही अभिभावन लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं डॉक्टर भी महू की जनता से अपील कर रहे हैं कि घर में रहें और अपना ध्यान रखें। जिस तरह से तेजी से कोविड के केस बढ़ रहे हैं उसका क्या कारण है और अभी तक कितने केस हो चुके हैं? देखिए, पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं, पहले जो जांचें होती हैं RT-PCR से होती थी और उनकी रिपोर्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगता था, और आजकल ऐसा हो रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो तुरंत हमारी जो एंटीजन रैपिड एंटीजन किट के द्वारा हम जो करते हैं तो उसमें रिजल्ट भी तुरंत आ रहे हैं। और उस समय ऐसा नहीं होता था, उस समय ये होता था कि जब हम यहाँ से टेस्ट करके हम इंदौर भेजते थे फिर वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट्स आती थी। और अभी तो क्या, सामने के सामने अगर कोई जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आ रहा है कोई बंदा कि भाई ये बंदा पॉजिटिव है, इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कौन कौन आया, अब उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी फटाफट हम उसको कवर करते हैं और अगर वहाँ निकालते हैं तो वहाँ भी पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट निकल आते हैं। तो ये जो देन है, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है उसकी वजह से हमको तुरंत तुरंत पता चला। तो बढ़ने का कारण आप इसी को मानते हैं? नहीं, और दूसरी बात, बढ़ने का कारण तो ये है कि आजकल लोग जो डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे, जो हमारी WHO की गाइडलाइन है उनका फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और लोग सैनिटाइजर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, शादियों में भी जा रहे हैं, पिकनिक भी मना रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारी दूरियों को कम कर दिया है इन्होंने। अब जो दूरियों को कम कर दिया तो मेन कारण तो हमारा खुद अपने लोग हैं जो कि इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सर, अभी तक कितने केस हो चुके हैं पूरे महू शहर में? अपने यहाँ पर 1472 केसेस अभी ग्रामीण और शहरी में मिलाकर के शुरू से लेके अभी तक की बात है, ये इतने हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 1996 लोग अपने डिस्चार्ज होकर भी आ चुके हैं। इनमें से अभी अपने पास जो बचे हुए हैं 424 के करीब अपने जो एक्टिव केस बचे हुए हैं, जो उपचाररत हैं, जो होम आइसोलेशन में भी हैं और हॉस्पिटल में भी हैं। सर, कहीं ना कहीं कहना ये पड़ रहा है कि 50% केसेस की ग्रोथ हो रही है, बारे में क्या कहना चाहिए? इतने एक्चुअली अपने यहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। अभी मैंने ये भी देखा कि बीच में अपना जो है केसेस कम भी हुए, कहीं ज़्यादा हुए, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद अपन ने इतना एरिया कवर कर लिया है तो अपन कवर करने के बाद में जो है कुछ राहत भी आगे अपन को मिलेगी। दो शब्दों में पूरे महू शहर के लिए क्या कहना चाहूँगा? महू शहर के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सभी महू के वासियों से मेरा निवेदन है, आग्रह है, मेरी अपील है कि आप लोग प्लीज़ जो गाइडलाइन को दिया गया है, हमारे WHO ने दिया गया, उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं, पार्टी शादियों में ना जाएं, और पिकनिक स्पॉट्स पर जो आप लोग सैटरडे संडे जाते हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक कितने मौत हो चुकी है? अभी तक जो कल तक की जानकारी में जो है वो 52 के करीब है। जी, मैं डॉक्टर संजय जैन, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर महू। कैनन न्यूज़ के लिए महू से प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट।